नमस्ते बच्चों, आज हम हमारी पुस्तक छठी कक्षा की पुस्तक वसंत भाग एक का नया पाठ पाठ 11 जो देखकर नहीं देखते पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं। यह पाठ हमारे बाकी पाठों से काफी अलग है बच्चों। यह पाठ हमें हमारे कल्पना की दुनिया से हकीकत की दुनिया में लाने वाली एक बहुत बड़ी सच्चाई से हमें रूबरू कराता है। उस सच्चाई से हमें परिचित कराता है कि हमारे जीवन में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं, उन चीजों को देख पाना और उन चीजों को महसूस कर पाना, ये बहुत बड़ी ताकत है। और जिन लोगों के पास यह देखने की शक्ति है, वे देखते तो हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन उन सारी चीजों को देख करके वो महसूस नहीं करते और समझ नहीं पाते। यानी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास जिनको कि हम देखते रहते, लेकिन उनके बारे में ध्यान नहीं देते। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि कुदरत की देन की कीमत इंसान तब जानता है जब वो कुदरत की देन उससे छिन जाती है या फिर उसके उससे दूर हो जाती है। तो बच्चों, आज हम ये पाठ न केवल पढ़ने के लिए पढ़ेंगे, बल्कि इस पाठ में हम जो बातें बताई गई है उन्हें पढ़ने से ज्यादा महसूस करने की जरूरत है। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं आज का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। यह पाठ एक ऐसे बच्ची की कहानी है और उसने अपने ही मन के भावों को इसमें लिखा है। यह कहानी भी उसकी है, यह कलम भी उसकी है और ये विचार भी उसी बच्ची के हैं। एक बच्ची जो अपने बीमारी के कारण अपने देखने, सुनने और बोलने की शक्ति को खो दी है, उसके तकलीफ, उसके दर्द का एहसास इस पाठ में है। इसके अलावा न केवल उस दर्द का एहसास है, बल्कि उस दर्द से बाहर निकलने की एक अकुलाहट, एक बेचैनी और उस बेचैनी के द्वारा उसके जीवन में आए हुए परिवर्तन और उसमें उस तकलीफ के ऊपर सफलता पाने का एक बहुत बड़ा इतिहास रचने वाला यह पाठ है। आइए हम पढ़ते हैं हमारा पाठ जो देखकर भी नहीं देखते। यह पाठ हेलन केलर के द्वारा लिखी गई, जो अपनी बीमारी के कारण देखने, सुनने और बोलने की शक्ति से दूर हो जाती है और जब ये सारी चीजें उससे छिन जाती है तो उसे उनके महत्व का एहसास होता है और उसे यह एहसास हमेशा उसे कुरेदता रहता है उन चीजों को वापस देख पाने की ताकत पाने के लिए या अपने विचारों को व्यक्त करने की ताकत पाने के लिए। और हेलेन केलर ऐसे उन सभी लोगों के लिए बहुत बड़ी शक्ति बनकर आई जिसने उन उसकी तरह से जो जन्मजात न केवल बोल पाते थे, न सुन पाते थे, न देख पाते थे, उनको अपने भावों को प्रकट करने के लिए
भाषा और लेखन की ताकत दे गया। बच्चों, आपके सामने यह जो चित्र दिखाई दे रहा है, यह बड़ा ही सुंदर एक जंगल का दृश्य है जो बहुत ही सुंदरता का एहसास लिए हुए दिखाई दे रहा है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी लेखिका की बातों का वर्णन। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ यह परखने के लिए, यह जानने के लिए, यह देखने के लिए कि वो क्या करते हैं, वो परखने के लिए कि वो क्या देखते हैं। जो उन्हें दिखाई देता है उन्हें उन चीजों का महत्व है भी या नहीं। मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद जब वापस लौटी तो हेलन ने उससे पूछा, हेलन ने यह पाठ अपने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, अपने छोटे छोटे विचारों के द्वारा बच्चों के साथ में बांटने की कोशिश की है कि उसकी एक मित्र जंगल की सैर करने के बाद जब वापस लौटी तो उसने अपने मित्र से पूछा, आपने क्या क्या देखा? कुछ खास तो नहीं, इतने सुंदर जंगल के दृश्य को देखकर यदि कोई कहे कि उसने आपने यहाँ पर क्या क्या देखा तो हमें इसकी सुंदरता का एहसास और इसका वर्णन होना चाहिए हमारे शब्दों में, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके स्थान पर उसे अक्सर उत्तर मिलता था, कुछ खास नहीं, अंधेरे की तरह एक शाश्वत उत्तर, कुछ खास नहीं। मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ, हमारी लेखिका का, हेलन का कहना है, मुझे कुछ अचरज नहीं हुआ। अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि मैं इस तरह के उत्तरों की आदी हो गई हूँ, यानी मुझे इन उत्तरों की आदत हो चुकी है। यह प्रकृति की सुंदरता, ये सुंदर सुंदर बादल, ये खिले हुए फूल, ये चिड़ियों की चहचहाट, यह चांद की सुंदरता, शीतलता, ये सारी चीजें देखने वालों के नजर में नहीं आती हैं, ऐसा हमारी हेलन केलर का कहना है। इसलिए वो आगे कहती हैं, मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वो कम देखते हैं। क्या ये संभव है? उनका कहना है कि ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। वापस पीछे के दृश्य में जाते हैं, इतनी सुंदर प्राकृतिक दृश्य को अगर कोई देखने के बाद यह बोले कि उसने कुछ खास नहीं देखा तो उसके नजर में खास क्या हो सकता है? नजर में किसी चीज को अपनाने की ताकत का एक उदाहरण मैं बच्चों आपके साथ बताना चाहती हूँ। एक ग्लास में पानी रखा है और उसे दो व्यक्ति अपने अपने नजरिए से बताते हैं, एक आधा खाली बताता है और एक आधा भरा हुआ बताता है। तो यही हमारे हेलन की बात है। हेलन हमारी यही कहना चाहती है कि ज्यादातर लोग अपने आसपास की चीजों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उन्हें इसका एहसास ही नहीं होता, प्रकृति की सुंदरता का एहसास उन्हें छूता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई जंगल में घंटा भर घूमे और उसे कोई भी विशेष चीज न दिखाई दे? वह बताती है आगे कि जो देखने वाले लोग हैं वो जंगल को घूम के आके भी कुछ देख नहीं पाए, लेकिन मैं जो बिल्कुल देख नहीं पाती, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो जब जंगलों में या मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे सैकड़ों रोचक चीजें महसूस होती हैं मेरे आसपास। क्यों? क्योंकि मैं उन चीजों को छू करके जानने की कोशिश करती हूँ, उनके एहसास को समझने की कोशिश करती हूँ।
और इसका बड़ा ही सुंदर सुंदर उदाहरण उन्होंने दिया है कि भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, भोजपत्र का जो पेड़ है उसकी छाल इतनी चिकनी होती है कि पुराने समय में उस भोजपत्र के छाल को एक पतले लेयर की तरह निकाल लिया जाता था, पतले परत की तरह निकाल लिया जाता था और फूलों से सब्जियों से रंग बनाकर, प्राकृतिक रंग बनाकर लकड़ी के नोक से उसके ऊपर लेखन का कार्य किया जाता। आज के स्लेट जिस पर छोटे बच्चे लिखते हैं, इसकी तुलना आप उनकी उस भोजपत्र के पेड़ की चिकनाहट के छाल की चिकनाहट से कर सकते हो। तो वो छाल इतनी चिकनी है और चीड़ की खुरदरी छाल, चीड़ के पेड़ की, ओक के पेड़ की खुरदरी छाल जो होती है, आपने नीम का पेड़ देखा है, आपको एक दूसरा उदाहरण दूं जो आपके आसपास मौजूद रहता है, तो अगर आपने नीम का पुराना पेड़ देखा होगा तो उसके तने के ऊपर छोटे छोटे सेगमेंट जैसे पूरे रफ सरफेस दिखाई देती, तो उसी तरह उसका कहना है कि चीड़ की छाल जो है एकदम खुरदरी होती है जिसे मैं छू करके स्पष्ट से पहचान लेती, उसका स्पर्श मुझे यह बतला देता है कि ये कौन सा पेड़ है। आगे वो बहुत ही सुंदरता से हमारे चारों ऋतुओं का वर्णन करती हुई नजर आती हैं कि जिस तरह से पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन होता है तो पूरे पत्ते झड़ जाने के बाद वसंत ऋतु जब शुरू होती है तो पत्ते छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर नई नई टहनियों में छोटी छोटी कलियां निकलनी शुरू हो जाती है जो नए नए पत्तों के आगमन की सूचना देती रहती है और वो देखने में उनकी चमक बहुत ही आकर्षक रहती है। अगर आपने उसे ध्यान से देखा होगा तो आप उसके चमक को बाकी पत्तों की चमक से अच्छी तरह से तुलना कर सकते हो। तो यहाँ पर वो एक छोटे से लाइन से उन्होंने वो बहुत सारे बड़ी बात कह दी है कि वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती हूं, मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह को छूने में और उनकी घुमावदार बनावट को महसूस करने में अपार आनंद महसूस होता है। उनका कहना है कि अलग अलग तरह के फूलों का एहसास मुझे बहुत खुशियां देता है। अगर गुलाब के फूल की पत्ती है तो उसके पत्तों की कोमलता का मखमली एहसास, अगर गेंदे का फूल है तो उसके पतलेपन, उसकी बारीकी और उसके पंखुड़ियों के किनारों पर घुमावदार बनावट की सुंदरता का एहसास, ये सब मुझे बहुत ही आनंद देते हैं, बहुत ही खुशियां देते हैं, जिन्हें की आंखों से देखने वाले लोग ना तो देख पाते हैं और ना ही महसूस कर पाते हैं।